योगी सरकार के 30 दिन पूरे हो चुके हैं और जनता ही रिपोर्ट दे रही है कि आखिर काम कितना हुआ है। वाराणसी का हम रुख कर लेते, मेरे सहयोगी अमित वहां पर हैं। अमित, वाराणसी के लोग इस 30 दिन के कामकाज पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सीधे हम आम लोगों का ही रुख करते हैं, वो क्या सोचते हैं इस एक महीने के कामकाज को लेकर, क्या समीक्षा है उनकी, इस एक महीने के कामकाज को आप किस तरीके से देखते हैं? पिछली सरकारों से आम व्यापारी, आम जनता जिस तरह त्रस्त थी, आज एक महीने के अंदर वो अपने आप को एकदम भयमुक्त फील कर रही है और जिस भी विभाग में जा रही है वहाँ कर्मचारी अधिकारी सारे टाइम से मिल रहे हैं। केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम लोगों ने, जनता ने मिल के प्रदेश में चेंजिंग किया है, उसी तरह योगी जी केवल एक काम और करें, प्रशासनिक में भी बदलाव की जरूरत। क्या फर्क देखते हैं एक महीने में आप? मैं एक पेट्रोल पंप व्यवसायी हूँ। स्थिति ये थी कि 10 बजे हम लोग पेट्रोल पंप बंद कर देते थे, एम्प्लॉयज़ काम नहीं करना चाहते थे 10 बजे के बाद। अब स्थिति ये हो गई है कि 24 घंटा हमारा पेट्रोल पंप खुला रहता है। क्या फर्क देखते हैं एक महिला के लिहाज से? जी हाँ, बहुत फर्क देख रही हूँ। सबसे पहले तो योगी जी के सराहनीय कदम को हम सारी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बिना भी एक दिन रुके, बिना इंतजार करवाए महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने एंटी रोमियो स्टार्ट करवा दिया। आज की डेट में हम 12 बजे रात तक भी टेंशन फ्री स्कूटीज घूमते हैं। पहले ये था 8 बजे के बाद डर लगने लगता था। आप क्या फर्क देखती है एक महीने? मैं तो एक महीने में बहुत फर्क देख रही हूँ। अधिकारी लोग जल्दी पहले सुनते नहीं थे, अब अधिकारी लोग क्या गड़े हुए काम निकाल के कर रहे कि आपका कितना दिन का मुद्दा क्यों नहीं हुआ। ये देखिए पूर्णिमा, ये फर्क पड़ा है। काशी के लोग कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही विशाल आपका भी शुक्रिया, मेरे सहयोगी पवन भी मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे रिपोर्टर्स की लाइव रिपोर्टिंग जनता के बीच से आपने देखी, लेकिन साथ ही अब वायदे तो जनता से किए थे तो जनता ही लाइव रिपोर्ट भी देगी। मुरादाबाद इटावा के लोग क्या सोचते हैं आपको सुनवाते हैं। ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला था। मुरादाबाद में अधिकतर अवैध पूजा खाने थे, चिड़के बंद होने से मुरादाबाद में काफ़ी फायदा हुआ है। एक महीना पूरा होने पे जो उनकी उपलब्धियां हैं, जो सबसे ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम करा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बूचर खाने बंद कराए और मुरादाबाद में तो इनकी बहुत ज़्यादा भरमार थी, यहाँ पे इनके सारे बूचर खाने बंद हो जाने से जो है पब्लिक को काफ़ी जो है उसका फायदा मिला है। काफ़ी अच्छा माहौल हो चुका है क्योंकि मेरी लड़की जो कॉलेज जाती थी तो काफ़ी दिक्कत होती थी पहले, जैसे चौराहों पर लड़के खड़े रहते थे, और वैसे भी अब काफ़ी सुरक्षा कर्मियों की भी वो सहायता मिल रही है तो इसलिए कुछ कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा खुशी है और ये एंटी रोमियो जो स्क्वाड बनाया गया ये लेडीज़ के फेवर में बहुत ज़्यादा है। जिस दिन से बनाया है हम सब लोगों ने, पहले तो हम लोगों ने ढोलक से बजाते वो बजा के इसका स्वागत किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाहर भीड़ लगी रहती थी, बॉयज वोटिंग करते थे गर्ल्स के लिए, ये सब रोका गया है सर। अब ये हम चाहते हैं हमेशा बना रहे। स्क्वाड बनाए तब से बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, जैसे कि लोग लोफरगिरी करते थे, जगह जगह रास्तों पर लड़कियों को छेड़ते थे, वो सब आजकल क्लोज कर दिया गया है। सरकार ने ये फैसला लिया है, हमारे लिए सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा लगता है फैसला, क्योंकि हम जब पहले कोचिंग जाते थे तब बहुत हमने देखा लड़के हम लोगों को बाइक पे छेड़ते थे रास्ते में, बट अब जब बाहर जाते हैं तब कोई हमें छेड़ता भी नहीं है और कोई कुछ बोलता भी नहीं है।